हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम जीरो से लेकर के एक नंबर तक के कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये ड्रेस कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। हमने ये बिना सिलाई मशीन के बनाई है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं हो तो सिर्फ सुई धागे से आप खूबसूरत सी पोशाक बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए मेजरमेंट भी बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural_world268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की पोशाक बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमने ये ड्रेस बनाने के लिए देखिए दो कलर के नेट के फैब्रिक का यूज़ किया है। एक हमने येलो कलर का नेट का फैब्रिक लिया है और दूसरा पिंक कलर का नेट का फैब्रिक लिया है। ये जो येलो कलर का फैब्रिक हमने लिया है, इसकी लंबाई हमने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है। चारों तरफ से इसका मेजरमेंट बिल्कुल बराबर रखा है हमने, यानी कि चौकोर पीस कट किया है। और ये जो पिंक वाला फैब्रिक है, इसकी लंबाई 4 इंच है और इसकी चौड़ाई भी हमने 4 इंच ही रखी है। इससे 1 इंच छोटा पीस कट किया है हमने पिंक कलर का। ये ड्रेस हम बिना सिलाई मशीन के बना रहे हैं, तो देखिए मैंने सुई धागा ले लिया है और इसमें डबल करके धागा डाल लिया है, जिससे कि इसमें मजबूती आएगी। अब ये जो येलो वाला फैब्रिक है, इसको हमें बीच में से ऐसे फोल्ड करना है तिकोने शेप में, फिर एक बार और हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, ऊपर की तरफ से ये फोल्डेड वाली साइड है और नीचे की तरफ से ये ओपन वाली साइड है। ऊपर से ये तिकोने शेप में आ जाएगा। अब हमें सुई लेनी है और यहाँ से डालेंगे हम किनारे से नीचे की तरफ से। देखिए, तिकोने वाले साइड को हमें ऊपर की तरफ ही रखना है और छोटे छोटे से बिल्कुल ऐसे पास पास में हमें टाके लगाने हैं। ऐसे ही हमें इसको लास्ट तक यहाँ तक टाके लगा लेनी है। लास्ट तक हमने इसको देखिए टक कर लिया है। अब यहाँ से हम सुई को निकाल लेंगे। इसको देखिए, हम पहले एक बार ही टाइट करेंगे, फिर यहाँ किनारे से हम इसको लॉक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमें, हल्का सा इसको फैला के रखना है। यहाँ पर हम देखिए इसको लॉक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको हल्का सा फैलाया हुआ है। यहीं पर हमें एक बार और इसको लॉक कर लेना है, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। अब देखिए, इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हमें टोटल 5 पेटल्स बना लेनी है। तो एक पेटल हमने बना ली है, 4 पेटल हम और बना लेते हैं। येलो कलर के नेट के फैब्रिक से हमने देखिए टोटल 5 पेटल्स बना लिए हैं। अब ये जो हमने पिंक कलर का फैब्रिक कट किया था, इससे भी हमें ऐसे ही पेटल बना लेना है। तो पिंक वाले पेटल्स हम 4 बनाएंगे, येलो वाले पेटल हमें 5 बनाने हैं और पिंक वाले पेटल हमें 4 बनाने हैं। हमने देखिए पिंक कलर के नेट से भी 4 पेटल्स बना लिए हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकला रह जाता है, तो उसको हमें कट करके ऐसे निकाल देना है और यहाँ से इसको बराबर कर लेना है सारे पेटल्स को। हमें ध्यान रखना है कि जो हमने टाके लगाए हैं वो नहीं कटने चाहिए। सारे पेटल्स बनाकर तैयार करने के बाद अब हमें देखिए 2 पेटल लेने हैं येलो कलर के, और यहाँ किनारे से इसको एक के ऊपर एक रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, हल्का सा रखेंगे। यहाँ जहाँ से हमने इस पर टाके लगाए थे ना पहले, तो यहीं से किनारे से देखिए हमें इन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे सुई धागे से टक कर लेंगे। देखिए, इन दोनों को हमने यहाँ किनारे से टक कर लिया है। अब हमें तीसरा वाला पेटल लेना है और उसको भी यहाँ पे किनारे पे टक कर लेना है सुई धागे से। देखिए, टक करने के बाद इसका शेप ऐसे आएगा। ऐसे ही हमें 5 पेटल्स टक कर लेनी है। 5 पेटल्स को हमने देखिए सुई धागे से टक कर लिया है। अब ये जो 4 पेटल्स हैं, इनको भी हमें इसी तरीके से आपस में टक कर लेना है सुई धागे से। अब हमें इसको यहाँ से रखना है। देखिए, ये जो 2 पेटल्स हैं, इनके बीच में एक पिंक कलर का ऐसे पेटल आना चाहिए। इस तरीके से हमें इसको सेट करते हुए रखना है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको ऐसे सेट करके रखेंगे और सुई धागे से टक कर लेंगे।
दोनों को ज्वाइंट करने के बाद अब हमने ये गोल्डन कलर की डोरी ले ली है। अगर आपके पास गोल्डन कलर की डोरी नहीं हो तो आप शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये नेट का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ से डोरी को रखना है और सुई धागे से टक करते हुए इसको यहाँ से लास्ट तक ज्वाइंट कर लेना है और दोनों तरफ से एक्स्ट्रा डोरी हम छोड़ देंगे। डोरी ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ आगे की तरफ से जो हल्का हल्का सा कपड़ा निकला हुआ है उसको हमें कट कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि हमने टक किया था वो नहीं कटे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम सिर्फ उसको ही कट करेंगे। अब हमने देखिए ये गोल्डन कलर की मोती ले लिया है, हमने जो पेटल्स लगाए हैं तो इसकी कॉर्नर पे यहाँ पे हमें एक एक मोती लगा लेनी है। सारे पेटल्स पे हम एक एक मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने येलो कलर के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमने 6 इंच यानी कि 6 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच रखी है। अब देखिए हमें इसको एक बार ऊपर से फोल्ड करना है, फिर एक बार नीचे से फोल्ड कर लेना है, फिर बीच में से बराबर करते हुए फोल्ड करना है और एक के ऊपर एक रख लेना है। अब हम सुई धागा ले लेंगे और इसको देखिए ऐसे बराबर रखते हुए यहाँ से टक कर लेंगे। सुई धागे से बहुत ही छोटा छोटा सा हमें इसको टक करना है पास पास में। सुई धागे से इसको टक करने के बाद अब हमें देखिए ये गोल्डन कलर की पतली वाली लेस ले लेनी है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। इसको हमें यहाँ से रखना है। लेस लगाने के बाद अब हमें देखिए इसको बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड करना है और यहाँ सेंटर से कट करके दो पीसेस में डिवाइड कर देना है। कट करने के बाद अब यहाँ से ये खुलने लगता है तो इधर की तरफ से ही हमें देखिए इसको एक के ऊपर एक रखना है और हमें ड्रेस ले लेनी है। यहाँ बीचों बीच में हम रखेंगे इसको बिल्कुल सेंटर में और सुई धागे से यहाँ पे टक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।